हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। भाई मेरी ब्रेकफास्ट की रेसिपीज आपको इतनी अच्छी लगती हैं कि काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं, कुछ और हो जाए, कुछ वेजिटेरियन हो जाए, कुछ बिना गार्लिक और प्याज के हो जाए। तो चलिए ऑन पॉपुलर डिमांड आज हो जाए बिना प्याज अदरक या लहसुन के पनीर भुर्जी विद पराठा। लेट्स बिगिन। पनीर भुर्जी में अगर अदरक लहसुन प्याज नहीं पड़ रहा है तो क्या पड़ रहा है भला? सोचिए सोचिए, सोचने की जरूरत नहीं है, सामने पड़ा है। इसमें मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम विच विल गिव दैट नाइस क्रंच सेम लाइक अनियंस एंड अच्छा खासा फ्लेवर भी देगा। यहाँ पे गरम पैन में मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, कमाल की खुशबू आती है जीरा जैसे ही पड़ता है तेल में। इसे भी हमें भूनना है लेकिन जस्ट थोड़ा कच्चा पक्का, यू डोंट वॉन्ट टू मेक द कैप्सिकम वेरी मुशी, राइट? तो इसे हल्का सा भूंज लिया। तो जैसे ये कैप्सिकम सॉटे हो रहा है थोड़ी सी हरी मिर्च को हम चॉप कर लेंगे। अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, लेकिन लाइक आई ऑलवेज से आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जाएगा टमाटर, और इसे अब मैं सीजन करूंगी with some salt, थोड़ी सी हल्दी एंड थोड़ा काली मिरी एंड सम रेड चिली पाउडर। Give it a nice mix and that's it। इसी स्टेज में हम पनीर डाल देंगे। हम ना ही टमाटर को ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं ना ही कैप्सिकम को। तो सुबह सुबह जब आप पनीर भुर्जी खाएंगे ना उसका मज़ा अलग ही आएगा। देल बी सम बाइट, देल बी सम कैरेक्टर, देल बी सम टेक्स्चर, वरना रेगुलर सब्जी की तरह फील आएगा एंड यू डोंट वॉन्ट दैट। और मेरी जो पनीर भुर्जी है उसका मोस्ट अमेजिंग पार्ट ये है कि आप इसे सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही नहीं, इसे लंच या डिनर में भी खा सकते हैं एंड आप घर का फ्रेश पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो आज मैं ये ब्लॉक पनीर यूज़ कर रही हूँ। इसे हल्का सा हाथों से मैश करके इसे डाल दीजिए। देखिए मिनटों में बन जाता है ये एंड इट्स जस्ट सो सैटिस्फाइंग। इतना हाई प्रोटीन है इसमें थैंक्स टू द पनीर एंड कैल्शियम। Look at this. Nice. And this is done. लेकिन एक बार चख लेते हैं so that we know if the seasoning is correct or not. Absolutely perfect, believe ही नहीं हो रहा है कि इसमें जो इंडियन कुकिंग के मेन बेस इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे अदरक लहसुन और जिंजर, तीनों चीज़ें ही नहीं है एंड स्टिल इट इज सो फ्लेवरफुल, सो डिलिशियस। इनफैक्ट जो लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं अभी उनके लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है। और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई आपके लिए फ्री है लेकिन जब मेरी कम्युनिटी बड़ी होती है तो मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। साथ ही आपको क्या फायदा होता है, सारे जो रेकमेंडेड लिस्ट ऑफ वीडियोस हैं उसमें मेरी रेसिपी फटाफट आपको दिखेगी। तो लेट्स कीप ईच अदर हैप्पी, राइट? याद है ना आपको मेरा ASR चाट मसाला? चलिए थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं हमारे पनीर भुर्जी में फॉर दैट चटपटापन। कोरिएंडर लीव्स व्हिच आई एम गोइंग टू चॉप अप, इसे भी मैं अपने पनीर भुर्जी में डाल दूंगी। एंड देयर, गिव इट अ फाइनल स्टर। आहा, लुक एट दिस, इतना प्यारा
पनीर भुर्जी मिनटों में तैयार। भाई मुझे तो पराठों के साथ बहुत मजा आता है पनीर भुर्जी खाने का। आप किसके साथ खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। चलिए आई एम गोना स्टार्ट सर्विंग एंड यू कीप वॉचिंग।